वेलकम टू luckytech.com। बहुत बार होता है कि हम एक ही पीसी को कई लोग यूज करते हैं, जैसे हमारा कॉलेज हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया या घर हो गया, जिसमें हम एक पीसी में कई लोग शेयर करते हैं अपने अपने काम। तो ऐसे में क्या करें यदि हमारे पास कुछ पर्सनल फाइल्स या पर्सनल डेटा है, तो हम उसे कैसे दूसरे से अलग करके रख सकते हैं, छिपा के रख सकते हैं कि दूसरा कोई उस डेटा को ना देख सके, चाहे वो ऑडियो हो, वीडियो हो या दूसरा कोई फाइल्स हो। तो ऐसे में आप बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स देखे होंगे, जैसे कि फोल्डर्स पे लॉक लगाना सॉफ्टवेयर की सहायता से, या फोल्डर्स को हाइड करना, है ना, सिंपली राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाके आप ऐसे यहाँ पर हिडन है, यहाँ पर हाइड करके आप हिडन कर सकते हैं, और कंट्रोल पैनल में जाके फोल्डर ऑप्शन में जाके व्यू में जाके आप वापस उसे ओपन करके देख सकते हैं। और दूसरा है, यहाँ पर आप जाएंगे कस्टमाइज में इसी में, और आइकन चेंज करके आप इसको हाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर भी आप रखे हैं वहाँ पर ऐसे एम्प्टी वाला आइकन लेके इसे ओके करके, अप्लाई ओके करके आप हाइड कर सकते हैं। और उसके बाद आप उसका नेम भी चेंज कर दें, जाकि उस पर कोई भी नेम ना रहे कि वो दिखाई ही ना दे बिल्कुल, ना तो आप उसका नेम चेंज करेंगे Alt 0 1 6 1 0 से, या फिर Alt के साथ 255 प्रेस करेंगे तो भी बिना नाम का फोल्डर बन जाएगा, और आप उसे इसे इनविजुअल कर देंगे बिल्कुल, तो वो दिखाई नहीं देगा। अगला तरीका ऐसा है कि आप यहाँ पर यूजर्स में जाते हैं और कंट्रोल पैनल में जाके अपना एक नया यूजर क्रिएट कर लेते हैं, जिससे उस पर आप पासवर्ड डाल सकते हैं, और पासवर्ड डाल के आप उस पर रख सकते हैं आपका फोल्डर डेस्कटॉप पे, है ना। इस वाले ट्रिक पे क्या करेंगे, आप डेस्कटॉप पे ही रखेंगे, अदरवाइज यदि आपने उसे ड्राइव पे रखा तो ड्राइव सभी यूजर शेयर करता है, इसलिए आप ड्राइव पे नहीं रखेंगे। यहाँ पर अनदर अकाउंट में जाएंगे और अकाउंट क्रिएट करेंगे, इसके बाद आप उस पर पासवर्ड आपका डाल सकते हैं, ठीक है। तो आप जब पासवर्ड यूज करेंगे तो ही खुलेगा, तो इस तरह से वो इनक्रिप्ट रहेगा फाइल फोल्डर। लेकिन ये अब काफ़ी पुराने तरीके हैं, हम आपको एक नया तरीका बता रहे हैं जिससे आप अपने फाइल फोल्डर्स को परमानेंटली हाइड कर सकते हैं, आपके अलावा उसे दूसरा कोई नहीं खोल सकता है बिना सॉफ्टवेयर और बिना पासवर्ड के। देखिए कैसे, सपोज करिए कि हमारा एक फोल्डर है, हम यहाँ पर एक फोल्डर बना ले रहे हैं, सिंपली न्यू पर गए और यहाँ पर हमने फोल्डर रख लिया, फोल्डर का हमने नाम रख लिया कुछ, मान लीजिए हमने इसका नाम रख लिया राहुल, ठीक है। अब हम इस फोल्डर पे अपनी कुछ फाइलें डाल लेते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियो भी हो गया, ये भी फाइल डाल लेते हैं, एक और फोल्डर भी हम उसी के अंदर डाल लेते हैं ऐसे, और ठीक है इस पे आ गया है कुछ डेटा हमारा, बिल्कुल। अभी हम क्या करें, इसको हाइड करें। कैसे हाइड करना है, देखिए आप सिंपली जाएंगे स्टार्ट पर, यहाँ पर आप टाइप करेंगे रन पर CMD कमांड प्रॉम्प्ट, यानी आपको जाना है कमांड प्रॉम्प्ट पे। अब यहाँ पर आपका कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है, ठीक है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में आपको टाइप करना है कमांड, सबसे पहले आप कमांड डालेंगे CD डेस्कटॉप। डेस्कटॉप क्यों डालेंगे, क्योंकि आपका जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप पे रखा हुआ है इस तरह से, यानी हम अब डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। डेस्कटॉप पे हमारा राहुल नाम का फोल्डर है, हम उसे हाइड करने वाले हैं, हटाने वाले हैं, छिपाने वाले हैं, इनक्रिप्ट करने वाले हैं। तो अब हमें डालना है कमांड, कमांड आप ध्यान से देखिएगा, ये है ATRIB अट्राइब, स्पेस देना है और प्लस का H स्पेस, प्लस का S स्पेस, प्लस का R, और स्पेस देके उस फोल्डर का नाम जो आप हाइड करना चाहते हैं। तो हम डाल देते हैं राहुल, जो हम फोल्डर हाइड करने वाले हैं, इंटर किए तो देखिए ये फोल्डर ऐसे ऐसे जा रहा है, हाइड हो गया लगभग। इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे तो ये बिल्कुल चला जाएगा, देखिए चला गया बिल्कुल। अब हमारा डेटा चला गया, अब हम क्या करें, ठीक है आप तो कोई नहीं देख पाएगा, पर हम वापस देखना चाहते हैं खुद ही, कभी काम करें वापस खुद कैसे देखेंगे, उसके लिए आपको यही कमांड टाइप करनी है ड्राइव। ड्राइव के बाद पहले आपको यहीं पर जाना होगा, यदि आप मान लीजिए कि ऐसे क्लोज कर देते हैं इसको, वापस आप इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर जाएंगे रन में CMD टाइप करेंगे, इंटर करेंगे, तो अब आप यहाँ पर हैं, फिर आपको यहाँ पर CD स्पेस डेस्कटॉप डालना होगा, यानी आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, फिर आप यहाँ पर डालेंगे कमांड डालेंगे ATRIB अट्राइब, वापस माइनस का H स्पेस, माइनस का S
स्पेस माइनस का आर और स्पेस करके उसी फोल्डर का नाम जो आपने हाइड किया राहुल, यानी जो आपने इनक्रिप्ट किया और इंटर। ऐसा करने से फिर आपका फोल्डर आ जाएगा। बस सिंपली आपको बाहर आके क्या करना है, एक बार रिफ्रेश पेज करना है या बिना रिफ्रेश के, ये देखिए आपका फोल्डर आ गया है, सिंपली आ जाएगा। तो ऐसे करके हम अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स या फाइलें जो भी है ऐसे हाइड कर सकते हैं। अब जो आपको पता है कि ये पहला कोड है और इस नाम का आपने ये फोल्डर बना के रखा है, इसके अलावा किसी और को नहीं पता रहेगा। आप चाहे कि बिना पासवर्ड के भी आप अपने कंप्यूटर को रख सकते हैं बिना पासवर्ड के, क्योंकि आपका डेटा तो कोई देख भी नहीं सकता है। थैंक्स फ्रेंड, आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, दोस्तों को बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे अगले वीडियोस के लिए, और कमेंट करें यदि जो तरीके पिछले बताए गए हैं उनमें से आपको कोई तरीका ना आता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।